कृष्णपुर नाम का एक गांव था जहां श्याम नाम का एक लड़का रहा करता था। हाल ही में श्याम ने अपनी बहन शोभा को खोया था। वो उसी दुख में था। रक्षाबंधन के दिन जहां उसके सभी दोस्त अपनी बहनों के हाथों राखी बंधवा रहे थे, वहीं श्याम ये सोचकर बहुत दुखी हो रहा था कि उसकी कलाई पर राखी बांधने वाली उसकी बहन नहीं रही। वो अपनी माँ से कहता, माँ मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। माँ माँ उसे बहुत समझाने की कोशिश करती, फिर भी वो बहन के लिए जिद करता रोता रहता। माँ अपने बेटे को समझाने में असमर्थ होकर गुस्सा हो जाती। वो समझा कर कहती, बेटा तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी एक बहन हो, बताओ। मुझे मेरी बहन मेरे साथ खेलने के लिए चाहिए और रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए चाहिए। जब मेरे सभी दोस्त राखी के दिन अपनी बहनों से राखी बंधवा कर आते हैं, तब मेरी कलाई सोनी होती है। वैसे भी अपनी बहनों के साथ बहुत खुश रहते हैं। मेरा ख्याल रखने वाली मुझे बहन चाहिए। माँ की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बेटे को कैसे समझाए। बहन की कमी का दर्द श्याम के लिए दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। एक दिन पेड़ के नीचे बैठा श्याम अकेला रोए जा रहा था, तब एक नन्ही सी भूतनी श्याम के पास आई। भैया मैं शोभा, मैं तुम्हारे पास आ गई। श्याम ने जैसे ही उसे देखा वो डर गया। कौन हो तुम लड़की, तुम कितनी डरावनी हो और मुझे भैया क्यों बुला रही हो? भैया तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? मैं शोभा हूँ भैया, तुम मुझे इतना याद कर रहे हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। अब मैं भूतनी बन गई हूँ तो क्या मैं तुम्हें भैया नहीं बुला सकती? अरे रे मत रो बहना, तुम इतने दिनों से मेरे साथ नहीं हो ना, तो मैं बहुत दुखी हो रहा था, पर मैं अब सभी को जाकर बता दूंगा। दौड़कर अपने दोस्तों के पास चला गया। दोस्तों तुम सभी को एक बहुत अच्छी खबर बताने आया हूँ, मेरी बहन वापस आ गई है भूतनी बनकर। श्याम की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लड़के जोर से हंसने लगे। क्या कहा, तुम्हारी बहन भूत बनकर वापस आ गई है? वैसे तो भूत की बात सुनकर तुम दूर भाग जाते हो, और अब तुम्हारी बहन भूतनी बनी है। तुम चाहे सच मानो या झूठ, पर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बहन लौट कर आई है। अच्छा अगर तेरी बात सच है तो अपनी बहन से कह देना कि हमारे पास मत आना, क्योंकि अब वो भूतनी जो है, वैसे भी लगता है तू पागल हो गया है। हमें ना तुझसे और ना ही तेरी बहन से कुछ लेना देना है। ये कहकर वे दोनों लड़के वहाँ से भाग गए। श्याम को बहुत बुरा लगा। बहन शोभा उसके पास आई और बोली, भैया तुम चिंता मत करो, मैं अपनी मायावी शक्तियों से एक साधारण लड़की बन जाऊंगी। उसने अपना जादू चलाया। देखते ही देखते भूतनी शोभा साधारण शोभा में बदल गई। शोभा तुम आ गई। श्याम ने बहुत खुश होकर अपनी बहन को सीने से लगाया। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया और उसे भी सारी बात बताई। क्या क्या कहा तूने? तू दिन में सपने तो नहीं देख रहा ना? नहीं माँ मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बहन मेरे लिए वापस आ गई है। मैंने उसे घर आने के लिए कहा तो उसने कहा कि वो घर में नहीं आ सकती। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मेरे साथ बाहर चलो माँ। माँ घबराती हुई अपने बेटे श्याम के साथ बाहर गई। सामने सच में शोभा को देख, बेटा शोभा, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, चलो ना बेटा घर के अंदर चलो। नहीं माँ मैं घर के अंदर नहीं आ सकती, मैं बाहर की इस रोशनी में इन हवाओं में ही रह सकती हूँ और आपको हमेशा दिखाई दूंगी। माँ और बेटे ने शोभा से बहुत सारी बातें की। उस दिन से श्याम अपनी बहन शोभा के साथ हर रोज खेलने लगा। वो बहुत ही खुश था। देखते ही देखते रक्षाबंधन का दिन आया। उसके सभी दोस्त अपने बहनों के हाथों से राखी बंधवा रहे थे। फिर वो श्याम के पास आए और उसका मजाक बनाने लगे। क्या हुआ, तेरी बहन ने तुझे राखी नहीं बांधी? मेरी बहन आज जरूर आएगी, तुम देखना। फिर श्याम के दोस्तों ने वहीं खड़े होकर इंतजार किया। थोड़ी देर बाद सच में शोभा वहां पर आई। उसने अपने भाई श्याम को राखी बांधी और उसके लिए साथ में एक उपहार भी ले आई। भाई ने भी अपनी बहन को उपहार दिया। अचानक से शोभा भूतनी में बदल गई। बाप रे भूत भूत भूत। रुक जाओ घबराओ मत, मेरे भैया ने सच कहा था कि मैं उसके लिए वापस लौट कर आई हूँ। शोभा ने उन सभी को सच बताया।
श्याम, हमने तेरा मजाक बनाया, तेरी बातों को सच नहीं माना, माफ कर देना दोस्त। सभी दोस्तों ने श्याम से माफी मांगी। उस दिन से वे सभी साथ में ही खेला करते और खुश रहने लगे थे। गंगोत्री नाम के गांव में भूकंप आने की वजह से कई लोगों ने अपने संपत्ति के साथ साथ अपनी जान खोई थी। मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, कुछ चंद लोग ही किस्मत से बच पाए थे। वहीं शोभा नाम की एक नन्ही सी लड़की अपने ढह चुके एक घर के सामने खड़ी होकर, माँ बाजी यूं वो बहुत रो रही थी। हर कोई अपने अपने सदमे में व्यस्त था, किसी का भी ध्यान शोभा की ओर नहीं जा रहा था। फिर बचाव दल वालों ने आकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शोभा को कुछ ज्यादा चोटें नहीं लगी थी, इसीलिए वो अस्पताल से जल्दी बाहर आ गई। शोभा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। माँ बाबूजी, अब मैं कहाँ जाऊंगी। यूं रोते रोते शोभा सड़क के किनारे चलती रही। वो खुद नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद उसके पैरों में दर्द होने लगा। माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ माँ, माँ एक बार मेरे लिए आ जाओ ना। यूं सड़क किनारे फूट फूट कर रोने लगी। कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। इतने में सड़क के किनारे एक लंगड़ा आदमी भीख मांग रहा था। वहाँ से गुजरते हुए लोग उसे कुछ न कुछ दे रहे थे। शोभा ने उसे देखा। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगी। शोभा ने ऐसा तय किया और सड़क किनारे खड़ी होकर भीख मांगने लगी। चूंकि वो बहुत छोटी थी, कई लोगों ने उसे पैसे देकर मदद की। पैसे मिलने पर शोभा बहुत खुश हो गई और उसे अपनी भूख मिटाने लगी। उस दिन से शोभा हर दिन वहीं उस सड़क किनारे खड़ी होकर भीख मांगने लगी। उस सड़क पर वो लंगड़ा आदमी भी हर दिन भीख मांगा करता। दोनों एक दूसरे की ओर देखते और बातें भी करते थे। यूं एक दिन हर रोज की तरह दोनों सड़क किनारे खड़े होकर भीख मांग रहे थे। अचानक वहां दो बदमाश आए और व्हीलचेयर पर बैठे उस आदमी के पास जाकर उसके पैसे छीन लिए। उन्हें देखकर नन्ही शोभा बहुत घबराई। वो तुरंत दीवार के पीछे जाकर छिप गई। जैसे ही वे दोनों बदमाश वहां से निकल गए, शोभा दीवार के पीछे से बाहर आई। एक बेसहारा आदमी से तुमने पैसे छीन लिए, तुम्हें भगवान देख रहे हैं। यूं दुख से वो चिल्ला रहा था। शोभा तुरंत उसके पास गई, उसे सांत्वना देते हुए बोली, दादाजी आप चिंता मत कीजिए। शोभा ने उनके आंसू पोंछे, अपने हाथ में रही रोटी उन्हें देते हुए बोली, दादाजी कौन थे वे दोनों और आपसे यूं पैसे लेकर क्यों गए। दो हाथ और पैर होने के बावजूद भी काम न हो सके ऐसे काम चोर है, चोरी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। यूं वो बहुत दुखी होकर बोला, फिर दादाजी मेरे भी तो दो पैर दो हाथ है और फिर भी मैं भीख मांग रही हूँ, तो क्या मैं कामचोर हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम कामचोर नहीं हो, तुम भला कैसे हो सकती हो, तुम तो बहुत छोटी हो ना, तुम में सही गलत की समझ नहीं है, तुम नहीं जानती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वैसे बेटा तुम यहाँ क्यों आई हो। दादाजी भूकंप में मैंने अपने माता पिता को खो दिया, आपको मैंने भीख मांगते देखा तो मैं भी यही करने लग गई। मुझे बहुत भूख लग रही थी ना, इस तरह तो मैं दिन में दो समय की रोटी खा पाती हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ, तुम वहाँ बहुत खुश रह पाओगी, तुम्हें तीन समय की रोटी मिलेगी, तुम्हें पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी देंगे और हाँ पढ़ाई भी कराएंगे, क्या तुम जानना चाहती हो। हाँ क्यों नहीं दादाजी, जरूर जाऊंगी। शोभा के मानने पर वृद्ध आदमी शोभा को अपने साथ लिए एक घर पहुंचा, पर उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस में जब उसने पूछा तो पता चला कि वे किसी गांव गए हैं। उन दोनों की समझ में नहीं आया कि आगे क्या करे। दादाजी इतनी कड़कती धूप में अब हम और कितना बैठेंगे, चलो ना दादाजी उस पेड़ की छांव में बैठते हैं, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। शोभा ने वृद्ध आदमी को पेड़ की छांव में बिठाया, फिर सड़क किनारे खड़ी होकर भीख मांगने लगी। मिले हुए कुछ चंद पैसों में वो दोनों के लिए खाना लेकर आई। शोभा उन दोनों का आहार इकट्ठा करती और फिर वे दोनों उसी पेड़ के नीचे रहने लगे। कार में बैठकर उस घर के मालिक वापस लौटे। बेटा देखो देखो वही है,
चलो चलो। फिर वे दोनों धीरे से उन दोनों के पास गए। कार से उतरे पति पत्नी ने बोलिए चाचा जी, क्या आपको कुछ पैसों की जरूरत है? मैम साहब, एक दिन मैंने तुम दोनों की जान क्या बचाई, तुम दोनों अब तक मेरी मदद कर रहे हो। आपने तो मुझे घर पर भी रहने कहा, पर मैं ही नहीं आया। आप दोनों कितने अच्छे हो ये मैं अच्छे से जानता हूँ। चाचा जी, हमारी ये जिंदगी आपकी ही देन है, आप अगर कुछ कहोगे तो हम मना नहीं करेंगे। बेटा, जब तुमने अपनी बेटी खोई तब तुम पर दुख का जो पहाड़ टूट गिरा था मैं अच्छे से जानता हूँ। देखो, ये लड़की अपने माँ बाप को खो चुकी है, बहुत दुखी रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इसे अपना लो। हाँ चाचा जी, जरूर अपनाएंगे। उस औरत ने बड़े प्यार से शोभा को अपने पास बुलाया। हाँ, पर एक शर्त है चाचा जी, इस लड़की के साथ आपको भी हमारे साथ रहना होगा। इस बार वृद्ध आदमी उस औरत को मना नहीं कर पाया, क्योंकि वो शोभा की भलाई चाहता था, इसलिए वो भी मान गया। वृद्ध आदमी घर के छोटे मोटे काम कर लिया करता। शोभा स्कूल जाती और पढ़ाई करती थी, पति पत्नी दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते। इस तरह चार अलग घरों से आए चार लोग एक परिवार बन चुके थे।